but they have also gone and stolen my softwares. So that's a bad part of it. शायद गलती मेरी थी कि मैंने ज़्यादा भरोसा रखा, but that's a very bad part of it. और उनका excuse मैडम ने मेरे घर में अकेला कमाता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सारा बड़ा किया पढ़ा लिखा के. मैंने कहा पढ़ा लिखा के बड़ा किया चोरी करना सिखाया क्या कि तू जाकर सॉफ्टवेयर बेचेगा और डबल सैलरी में दूसरी कंपनी में कभी जॉब मिलेगी? मैंने तेरे को ऐसे तो डबल सैलरी कोई देगा नहीं. सिंपल ना, यू आर सेलिंग माई सॉफ्टवेयर और सेलिंग माई सॉफ्टवेयर दैट्स वे यू आर गेटिंग डबल सैलरी. बट देन अगेन गलती मेरी थी. मैंने कहा मुझे एक्चुअली भरोसा रखे पूरे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल एक एक जगह रखने की चाहिए. फिर मैंने वो सब स्टाइल जो भी फिर करना होता करता है, एक बार गिरता है, आई मीन एक बार फिर कॉफी करता है, बार बार फिर थोड़ी करेगा वो. सो कमिंग बैक टू Now the best thing is मेरे को 500 properties में online करके और मेरे को orders online आना चालू हो गया. Thanks to that tie up. वरना अगर ऐसा tie up मैं नहीं करती तो nobody would have known Reach Gujarat. ठीक है ना? Because people go to Gujarat Tourism, they don't come to Reach Gujarat. When they check on Gujarat Tourism के पीछे नीचे Reach Gujarat है, then they used to go to Reach Gujarat. And no booking. So मेरा bookings तो होते थे, but problem क्या हुआ कि 500 रुपए का guest house होता है, 10 रुपए margin का business है, 50 रुपए का margin का business है. अब मैं जब वो गेस्ट हाउस वाले को फोन करूँ या मैं कॉल सेंटर से फोन करूँ कि भाई ये बुक हुआ है आप प्लीज आके आप बुक करो, तो गेस्ट हाउस वाला आड़ा वाला हो जाए, बोला नहीं ये रूम रिनोट हो रहा है ये वो. क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम होता था कि उसको तो अगर रिक्शा वाला लेकर आता है, जो गेस्ट हाउस पे रिक्शा वाले नीचे लेके जाते ना जो स्टेशन से, गेस्ट हाउस की बुकिंग रिक्शा वाला ही ले जाते कि चलो साहब अच्छा हाउस आप यहाँ रह लो या ये अच्छी होटल आप यहाँ रह लो, तो वो उनको रूम दे देते. वेरी सिंपल, वो भी उनका भी अपनी जगह सही था. तो मुझे प्रॉब्लम क्या होने लगी कि मेरे को रूम नहीं मिला. अब जिस आदमी ने बुक किया अलग से तरीके से किसी आदमी ने बुक किया तो उसको एचडी करो, तो आदमी तो पैसे से पहले गाली करो जी चालू करो कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया. जब हम बोले सर आपका क्रेडिट कार्ड अभी तक तुमने ऑथराइज नहीं किया है, वेरी सिंपल, ऑथराइज करो ना तो ही हमारे में पैसे उठे. जब अगर हम ऑथराइज करें, हम ऑथराइज करते नहीं, वो पहले बिलीव ना करे, फिर अगर उसने बिलीव कर लिया है तो वो क्या कहते हैं, फिर हम उसको समझाएंगे ठीक है सर आपको दूसरा कोई तो चलो सोचता हूँ करके फोन रखते हुए, या फिर हमने बोले ठीक है मेरे को बताओ फिर दूसरे दो गेस्ट हाउस को फोन करने का. It was a very messy cycle. कुछ थोड़े 50 रुपए में से क्या खाने का क्या पीने का. And being in this business, इतने सालों से खुद के business creation of wealth हो नहीं रहा था. Margin ही नहीं था, मैं खुद खाऊंगी क्या, लोगों को खिलाऊंगी क्या. So that is the reason what I said कि let me first see if I can make, क्योंकि मेरे पास ये portals थे नहीं, ये कौन सा portal है वो make my trip travel go go. That's all. Good. I'm not stopped it क्योंकि अभी भी मेरे पास. Anyone wants to ask questions? Augmented reality. What sort of business you are in? Augmented reality. It's an IT. It's a. Yeah, you know, I have worked on augmented reality application for iPhone. ठीक है. Yeah. So what's the question there? Well, I mean, you provide what sort of augmented reality? Mobile. What we do, we yes. We provide an application which works either ways. Majorly, obviously, it will run on your mobile only. Majorly, augmented reality works on mobile only. Yeah. And we make custom made things. We don't make off the shelf things. I mean. You have an application already? We make lots of applications. I said custom made, not off the shelf. Custom made in terms of, let's say, temperature. Okay. Temperature application. Okay, let's say, yahan pe simple as just wrote, augmented reality is the interface between a real world and a natural world. Virtual world and a real world. Part of an interface, which you can use it through with the help of your mobile right now. Six sense is something where you would not even require a mobile, so that's a different story. So ultimately with augmented reality, you I'll just give an example. Okay. There's a big screen out here and I'm in a retail shop and I picked up 2-3 shirts and so I thought those things will be fit in there. मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, मेरे खड़े रहने से मेरा body का पूरा measurement, not just my face or my figure or thing, but full measurement will go inside it. And then वो we will try कि okay, how does this red shirt look on me or how does this green shirt look on me? Does it fit me or not? 14 size fits me, 16 size fits me, 18 size fits me or not? वो अपने आप से हो जाएगा. So you don't have to go and try those things. That is one part. So you know the real world and the real world, and those clothes are currently in the virtual world. So that's the mixing of real world and virtual world. Second example, what we work on, we are currently working on, is a very good thing. So let's say currently we are sitting here and I want to understand the temperature of how come the temperature is. So with my mobile phone, I'll capture that particular area. So GPS through a particular area, I capture it.
और जीपीएस के थ्रू कैप्चर होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेक होगा, एंड जीपीआरएस के थ्रू पर्टिकुलर जो टेम्परेचर सर्वर है वहां पे जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर्वर ये पर्टिकुलर एरिया में अभी क्या टेम्परेचर है। यू गेट माय पॉइंट? सो उससे आपको अभी पता चल जाएगा कि वहां उस एरिया में क्या टेम्परेचर है। सो अल्टीमेटली योर कंप्यूटर योर द वे इट वर्क्स सिंपल, वेरी सिंपल, योर मोबाइल इज एक्टिंग लाइक मोबाइल कैमरा इज एक्टिंग लाइक अ कैप्चरिंग थिंग, देन योर मोबाइल इज एक्टिंग समवॉट एक्टिंग लाइक अ प्रोसेसर और कम्युनिकेशन मीडियम which sends that particular communication to the servers, internet servers or web servers or whatever. The servers processes that information and then that server processes the information and gives it to the mobile, and that's what you can see in your browser. So this is what currently augmented reality. So the virtual and the real world are being mixed or lap overlap, and that's what augmented reality is. So that's that type of application. For web pages, they are difficult to find. कस्टमर तो कहीं भी कोई भी लेवल पे जाना नहीं चाहिए। कस्टमर के साथ ईगो भी नहीं रखो, कुछ ना कुछ सॉरी सर करो, अपना पैसा निकालो। See, we have Asha. Now what happened? A very good question. It was a very challenging thing. Once upon a time, it happened, sir. But I think now this is the last question. Because people are not going to leave. So we have one more guy waiting for. Who is that? You? Oh, so sorry. You're there? Okay, I thought I was the last one. Sorry. Okay. The point about it was that the customer body. What happened then? Now being in this field, what you realize? With respect to you again, guys, that 500,000, I mean, 500,000, 1,000, 2,000 rupees, 3 months. मैं तो परेशान हो गई, मैंने किस तरह धंधा थोड़ी करूंगी मैं, क्योंकि अल्टीमेटली वापस वेल्थ क्रिएशन तो मेरी हो ही रही थी और लोगों की वेल्थ क्रिएशन तो मैं बाद में करूंगी, मैं तो मेरी पहले करूंगी। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड हैविंग वर्चुअल बैचेस। ठीक है, आपके देशी भाषा में यू कैन कॉल देम फ्रीलांसर्स, आई कॉल देम वर्चुअल बैचेस बिकॉज़ दे गिव मी मोर आउटपुट। सो कमिंग बैक देन आई योर क्वेश्चन वाज दैट हाउ मेनी पीपल योर क्वेश्चन। सो सी वी हैव डिफरेंट टीम्स लुकिंग एट डिफरेंट प्लेसेस एंड या वी आर नॉट गुड इन ऑल द टेक्निकल। जरूरी नहीं हमको यहाँ बैठा के क्या करूंगी मैं, वो तो मेरे को हेड ओवरहेड बढ़ रहे हैं। सो यू नो पार्टी की सब काम होते हैं वहाँ पे। सो यू नो इफ यू टॉक इन दैट वे आई हैव अराउंड 300 टू 400 पीपल वर्किंग, इफ आई टॉक इट इन टर्म्स ऑफ पीपल वर्किंग हियर देयर, बिकॉज़ क्लाउड कंप्यूटिंग और डिफरेंट टीम टेक्स केयर ऑगमेंटेड रियलिटी, माय कोर टीम वर्क्स हियर एंड पीपल आउट हियर इन डिफरेंट प्लेसेस वर्क हियर डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस, जैसे कि लेट्स से हाई एंड ग्राफिक एप्लीकेशंस चाहिए मेरे को, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट के ऑन सर्टेन थिंग्स 3D रेंडरिंग चाहिए होती है, 3D स्टफ चाहिए होता है। So that I don't believe कि मैं उसको यहाँ पे कराऊँ, क्योंकि वहाँ invest in man necessary in the technology again, you know, 3D stuff requires lot of processing powers and yeah, one thing जो foreign companies के साथ काम करते हैं, it's very necessary that you should have all the software with not pirated, you should buy it. So what I do, I can't afford to go and do it. So what we do is we either use applications, क्या कहते हैं उसको, ASP कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? SSL. नहीं, open source तो मैं use करती हूँ, open source तो by default है. नहीं, मैं बाय नहीं करती हूँ, मैं दूसरे सर्वर्स पे जैसे कि MS Office, you don't require to buy it, you can उसमें अच्छा वर्क कौन है फिर? Ah, in short, I cannot afford to buy software every time because you know we work with a lot of different technologies, so I work in such a way that I don't require to buy them, but still I get the license for them, something like that. I'll explain to you. उसके अच्छा वर्क था just so जैसे coming back to this, so thanks, you know you have to find out solution guys. You cannot have people on a bench or you cannot put in money, so you find out solutions that how you can run your company in such a way that everybody else. You know. Thank you guys. Thank you.